नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टायर इंडस्ट्रीज के बारे में, एक टायर कंपनीज के बारे में जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टायर कंपनीज है। तो टायर इंडस्ट्रीज में एक ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जितने सारे गाड़ियाँ बेचे बेचे जाएंगे, वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो और फोर व्हीलर्स हो, साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स, साथ ही साथ जितने सारे मतलब ट्रैक्टर्स हो और जितने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने सारे गाड़ियाँ लगते हैं, सब कुछ के गाड़ियों में टायर हमेशा लगते ही है। क्योंकि देखिए शायद वो पेट्रोल डीजल का कार हो, शायद वो ईवीज का हो, तो कुछ भी हो तो हमेशा टायर का तो जरूरत होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको अभी से टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूँगा। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है अपेलो टायर, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डीएस ने, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने, चलो नाम ही बता देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा टारगेट रखा इस कंपनी के ऊपर। तो क्या वो टारगेट सही है, तो उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं कंपनी के एक बार आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। देखिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसके लिए आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का बिजनेस जो है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि आप सबसे पहले एक चीज हमेशा मतलब याद रखना, जो चीज आपको दिखता है तो वो चीज किस तरीके से दिख रहा है। मगर देखिए टायर इंडस्ट्रीज में टायर आपको हर कोई गाड़ी दिखता है, तो गाड़ी का जो टायर्स है वो आपने कभी जांच किया है कि कौन सा टायर कौन सा कंपनी का टायर लगा गया है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कौन सा कंपनी का टायर देखने को मिलता है। देखिए कुछ कुछ एरिया बेसिस होते हैं, तो वो एरियाज एरियाज में मान के चलिए किसी एरियाज में ज्यादा से ज्यादा एमआरएफ का टायर बेचा जाता है, किसी एरिया में मान के चलिए कुछ टीवीएस का टायर बेचा जाता है, किसी 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 एरिया में ज्यादातर ज्यादा एप्पल टायर बेचा जाता है। तो आपको देखना है कि कौन सा टायर ज्यादा से ज्यादा बेचा जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स जैसे कार, एसयूवी एंड वैन, साथ ही साथ देखिए बाइक्स एंड स्कूटर, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, जितने सारे ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक एंड बसेस, साथ ही साथ देखिए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब जितने सारे एस्केलेटर हो गया, जैसे मतलब माइनिंग करने के लिए जितने सारे गाड़ियाँ है वो भी इसी कंपनीज के टायर बनाते हैं। मतलब हर सेक्टर को कंपनी कैप्चर करके रखा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज वाइज देखें तो कार के आप देखेंगे तो कौन सा कंपनी के ऊपर कार लगाया जाता है, इसका मतलब टायर्स कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है, तो वो टारगेट कौन सा है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, वो दिग्गज वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और डिटेल्स चेकआउट करिए। और हाँ, आपको इस डेटा दिखाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन करके आप डेली बेसिस अर्न कर सकते हैं। तो एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कहाँ किस बेसिस से अर्न किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बाई एपलो टायर्स टारगेट प्राइस कितना, 291 रुपीज़। यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट प्राइस जो है वो 291 रुपीज़ है। और यहाँ पे देखिए चंदन तपरिया, उन्होंने जो मतलब मोतीलाल ओसवाल के जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया गया है। तो 291, अभी कितना प्राइस चल रहा है देखिए, अभी 265 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो 265 के आसपास अभी चल रहा है, तो 291 का टारगेट रखा गया है। तो क्या टारगेट को फॉलो करना चाहिए, तो चलो मैं आपको पहले बता दूं किस बेसिस से टारगेट रखा गया है। आप देख सकते हैं चंदन तपरिया और मोतीलाल ओसवाल हैज बाई कॉल ऑन एपलो टायर्स, तो विथ ए टारगेट प्राइस ₹291, द करंट मार्केट प्राइस एपलो टायर इज 275.225। तो एक्चुअली जब इसको प्राइस बाइंग दिया गया था तो 275 था, तो अभी तो आज फिर से देखा जाए तो सस्ते में मिल रहा है 265 के आसपास। तो क्यों टारगेट दिया गया चलो वो दिखा देता हूँ। एपलो टायर लिमिटेड, यहाँ पे देखिए इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर्स
1972, मतलब 1972 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, इज ए मिड कैप कंपनी हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 17,500। ऑब्वियसली एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और यहाँ पे देखिए, इस कंपनी जिस बेसिस से टारगेट दिया है, चलो मैं आपको एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा देता हूँ, क्या वो टारगेट सही है, क्या वो टारगेट सही में जा सकते हैं। तो चलो मैं एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो टारगेट प्राइस याद रखना 291 है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ। देखिए इसका लॉन्ग टर्म विजन के लिए, देखिए तो कंपनी का पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ था तब कौन सा साल था, तो 1999। तो 1999 में कंपनी का जो प्राइस था अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो करीबन 5 रुपीज के आसपास। आप कहेंगे सर 5 रुपीज से क्या स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस है। एडजस्टमेंट प्राइस क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट किया, कौन सा, 1:10 रेशियो का। इसका मतलब 1 के बदले 10 शेयर कंपनी दे चुके हैं और इसी बेसिस से प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब 5 रुपया यहाँ पे देखने को मिला है, इसका मतलब 50 रुपीज का इसका प्राइस था, इसका एडजस्टमेंट प्राइस 5 रुपया हो चुके हैं। तो उसके बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ किया, 5 रुपीज से कंपनी जा पहुंचा 300 रुपीज तक। तो 300 रुपीज तक कंपनी जा पहुंचा। अभी देखिए 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, ऑटो इंडस्ट्रीज हर कंपनीज गिरते गए। तो उसी के बेसिस से देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर भी लगातार लगातार गिरावट हुआ। और यहाँ पे जो क्रैश मूवमेंट देखने को मिला, और कंपनी क्रैश होकर कोविड के सिचुएशन में फिर से क्रैश हुआ, और यहाँ पे करीबन 70 रुपीज तक आ चुके थे कंपनी का प्राइस। तो अभी जो फिलहाल के जो सिनेरियो है, कंपनी 52 वीक फिर से हाई अचीव कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेवल है 52 वीक हाई पे अचीव कर चुके हैं। क्या अभी जो टारगेट दिया है 290 का, वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे जो लेवल्स है, यहाँ पे जो लेवल्स है, मैं चलो एक बार आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे जो लेवल्स है, ये लेवल तक कंपनी टारगेट रखा गया है। तो कंपनी का प्राइस बैंड आप देखेंगे तो किस बेसिस से हो रहा है, चलो मैं एक बार यहाँ पे आपको डेली बेसिस कैंडल में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डेली बेसिस कैंडल में जो चीज यहाँ पे देखने को मिला, पहली बात कंपनी ने जिस बेसिस से यहाँ पे हाई टच करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद डाउन में आया, यहाँ पे पहले वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तब एक पॉसिबिलिटी होते हैं स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी होने का। अगर वॉल्यूम आप में इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो एक अपटेन जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम की सबसे बात करूँ तो एक ट्रेंड है यहाँ पे, जो ये जो लाइन है, ये लाइन को EMI लाइन बोला जाता है। तो 30 EMI है, तो इस लाइन के नीचे अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो सोचना आपको जरूर मतलब एक एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। हाँ यहाँ से अगर कोई भी कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट दे और साथ ही साथ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना, तो सोचना फिर से अपट्रेंड में जाने का कोशिश करेगा। तो अभी यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, वो 20 डेज EMA का है। तो 20 डेज EMA का जो ट्रेंड है वो उसको ब्रेकआउट कर चुके हैं। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 डेज जो EMA है, इस लाइन अगर इस तरीके से जाए, इसको टच करे, तो उसके बाद रीबैक कर सकते हैं। तो टच करने तक वो रिवर्सल हो सकते हैं। तो फिर भी मैं जरूर कहूँगा कंपनी ने जो टारगेट दिया, ऑब्वियसली वो टारगेट तो फिलअप हो ही जाएगा, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली दम है। क्योंकि आपको इस तरीके से चार्ट पैटर्न में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर जो टारगेट कंपनी ने दिया और क्या वो टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्या वो प्रीवियस जो हाई है, जो 306 का जो लेवल्स है, क्या वो लेवल्स ब्रेकआउट कर पाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली ब्रेक कर पाएंगे, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बेसिस से ऑब्वियसली ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, ऐसे नहीं कि कंपनी ने ग्रोथ नहीं हुआ, आप बिल्कुल मत समझ लेना। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। हाँ बीच बीच में ज्यादा था, करीबन 1200-1100 करोड़ के आसपास, अभी कितना 600 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी ने आपको रिटर्न भी शानदार दिया, बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दिया। अभी जो चीज देखना चाहिए क्या कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। देखिए वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करना पड़ेगा। तो पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके बेसिस से कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है, 16,700 करोड़ का मार्केट कैप इसका। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.98 है, जो बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी चलो 0.59 है, 0.60 है। तो मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ कि 0.50 से डेप्थ कम होना चाहिए, मतलब लेस देन होना चाहिए, मगर यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। चलो
फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट कैप टू सेल्स। यहाँ से ही आपको बताया जा रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ते में है। PBNP रिसीविंग 33.99 है, इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आपको सस्ते दामों में मिल रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का पी रेशियो 23 है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है और मार्केट कैप टू सेल्स 0.75 है। इसका मतलब कंपनी आपको सस्ते दामों में कंपनी का प्रोडक्ट अभी मतलब सस्ते दामों में कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते दामों में आपको मिल रहा है। तो इस मौके को फायदे को आप उठा सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी में एक पोटेंशियल है जो फ्यूचर में ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।